तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो आज का वीडियो रहने वाला है, आपकी फरमाइश पे ये वीडियो है कि डिप्लोमा जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो क्या क्या ऑप्शन बनते हैं, और एक तीन रिक्रूटमेंट्स हैं कंपनी में, फ्रेशर्स के लिए भी है, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी है, उसकी डिटेल भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर मैं बात करूँ डिप्लोमा जैसे कंप्लीट होता है तो आपके पास सबसे मेरे ख्याल में ऑप्शन रहता है AMI का, फिर आपके बीई बीटेक का, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या क्या और क्या करना चाहिए और प्रैक्टिकली क्या अच्छा रहता है, स्कोप किस में ज्यादा है, वो सब चीजें इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो जो EMI का ऑप्शन है आपके पास, तो जो वो ऑप्शन है आपके पास वो है सर्टिफिकेट एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर, 2 साल का ये रहता है। तो इसमें बेसिकली आपका होता क्या है, अगर मैं बात करूं ये इक्विवेलेंट होता है बीटेक और बीई के। अगर आप अपनी डिग्री के मतलब डिप्लोमा के बाद ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते किसी डिग्री में, तो ये सर्टिफिकेट अगर आप कर सकते हो तो इस सर्टिफिकेट की हेल्प से आप इक्विवेलेंट हो जाते हो किसमें, बीटेक बीई में। कोई भी जॉब निकलती है कहीं भी कंपनी में जाते हो अगर ये दिखाते हो तो आपको बीटेक इंजीनियर ग्रेजुएट ही माना जाएगा EMI में, AMI में, ठीक है। फिर आपके पास ऑप्शन बनता है बीई कर लीजिए या बीटेक कर लीजिए, ये ऑप्शन सबको पता है। तो अगर मैं बात करूं मेरे ख्याल में अगर आपको एक अच्छे करियर में जाने तो वो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। अगर मतलब जैसे आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है तो बीटेक बीई इतना जरूरी नहीं है, अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है वहां इतनी जरूरत पड़ती है उतनी भी नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हो तो आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे CPWD में आप जा सकते हो, DRDO में, NTPC, BEL, NHAI, SAL, PGCIL, रेलवे, ये सारी PSU कंपनीज हैं और वहाँ डिप्लोमा की ही डिमांड बढ़ती है, कोई बीटेक या बीई की डिमांड नहीं करता, डिप्लोमा वालों को भी उतनी ही प्रेफरेंस मिलती है। मैं कहता हूँ बीटेक बीई से ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और जो 4 साल आपने अपनी डिग्री को देने हैं या बीई को देने हैं तो मेरे ख्याल में उसमें आप प्रिपरेशन करो और एक अच्छी एज ए जूनियर इंजीनियर किसी भी फील्ड में जाओ और आगे जाके परफॉर्म कर सकते हो अच्छा। तो फिर ऑप्शन एक और बनता है आपके पास कि आप क्या करो, आप अपना प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करो, क्योंकि वहां कुछ मैटर नहीं करता। मैं जिस कंपनी में गया था वहां मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर वो डिप्लोमा थे, मेरा जो HR की टीम थी या जो मेरे जिनकी कंपनी थी वो इवन सब डिप्लोमा के थे। डिप्लोमा को काफी प्रेफरेंस मिलती है, बाकी हमारी फील्ड में एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, बीटेक बी की जरूरत नहीं है। मतलब एक्सपीरियंस जितना एक्सपीरियंस आता जाएगा उतनी आपकी सैलरी इंक्रीज करती जाती है, उतना आप ग्रो करते जाते हो। और इसी में अगर मैं बात जोड़ूं इस समय फोकस रखना स्किल्स पे। आपको बीटेक या डिप्लोमा करके जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन वो जॉब कौन सी मिलेगी आपको, एज ए मैं कहूंगा साइट सुपरवाइजर लिया जा रहा है, साइट इंजीनियर लिया जा रहा है, जिसका काम क्या होगा, सिर्फ लेबर देखना, लेबर की काम देखना, थोड़ा बहुत ड्राइंग का। तो वो काम एक मैं बोलता हूँ साइड इंजीनियर भी कर सकता है, सुपरवाइजर कर सकता है। तो आपको अपनी अगर वैल्यू बनानी है इस पीरियड में तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, और स्किल्स आप कहीं से भी गेन करो, यूट्यूब से करो, फील्ड पे करो, ट्रेनिंग लो, इंस्टीट्यूट में जाओ, कहीं भी जाओ, तो वो होगा और सैलरी ग्रोथ भी उसी की हेल्प से होती है। तो डिप्लोमा के बाद अगर ऑप्शन आपको रखना है, मेरे पर्सनल रिव्यू के हिसाब से अगर जहाँ तो गवर्नमेंट जॉब में जाओ या तो प्राइवेट सेक्टर में जाओ। फर्दर स्टडीज के लिए बाद में सोच सकते हो, 1-2 साल अगर आप 1-1.5 साल अगर आप कंपनी में घुसते हो तो वहां आपको लगता है कि नहीं बीटेक या किसी की जरूरत है तो आप कर सकते हो। बाकी काफी इंस्टीट्यूट हैं जो AMI है वो डिस्टेंस पे करवाती है, मतलब पेड रहता है, डिस्टेंस पे शो नहीं होता है, लेकिन करवा देती है, क्योंकि इस समय डिग्री मैटर करती है, वहां से सीखने तो कुछ वाले नहीं हो। एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा भी नहीं है कि आप किसी डिग्री से कुछ सीख सकते हो। अगर आपको सीखना ही है उसके लिए एक्सपीरियंस जरूरी होता है, स्किल जरूरी होता है, वो स्किल आप कहीं से भी गेन कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में आइडिया मिल गया होगा कि क्या है क्या नहीं। अभी मैं बात करूंगा जो रिक्रूटमेंट्स हैं आपके लिए, जो रिक्रूटमेंट आई है उन पे मैं बात करूंगा। अगर तो पहले तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, हर एक फ्रेशर को मैं कहूंगा जैसे डिग्री क्लियर कंप्लीट होती है आपकी, तो AICT या इंटर्नशाला या आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करिए। आज एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, बाकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स भी, हमारी वेबसाइट पर हर चीज अपलोड रहती है, फ्री में आप अप्लाई कर सकते हो, फ्री में इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हो, फ्री में स्पेसिफिकेशंस है वहाँ, और भी जो डिमांड आपकी रहेगी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा इंस्टाग्राम है, हर जगह आपको फ्री में सब कुछ मिलेगा, बस आपके कमेंट करने की देरी है,
थोड़े कारणों से मैं कमेंट हर एक कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जितनी जल्दी हो सके मैं उनके रिप्लाई दूंगा आपको, भले वो व्हाट्सएप पे है टेलीग्राम पे है। तो अभी हम चलते हैं हमारी वेबसाइट पे, वहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें। देखो हम पेज पे आ चुके हैं, हमारी वेबसाइट पे आ चुके हैं, सिविल साइड विजिट, ठीक है, राइज एंड शाइन इन सिविल इंजीनियरिंग, लर्न विद अस। तो इसमें अगर हम बात करें प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब, हर एक जॉब का अपडेट रहता है। प्राइवेट जॉब में क्लिक करते हैं, आपको जो टॉप इस समय जो अपडेटेड होंगी, मतलब कल ही जो अपलोड या आज ही अपलोड की होंगी, वो सबसे पहले वही दिखेंगी, बाकी देखनी हो वो भी आपको दिख जाएंगे। NCBS रिक्रूटमेंट 2023 सिविल इंजीनियर की जॉब रहेगी, नंबर ऑफ पोस्ट एक है, लेकिन आपको अपने लिए एक ही चाहिए। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट है वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर की, एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा हुआ, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए जॉब है, और एज आपकी 28 मैक्सिमम चाहिए। सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 89,000 सैलरी इसमें देखने को मिल रही है। फुल टाइम आपकी डिग्री होनी चाहिए BBTech, और लास्ट डेट इसकी अप्लाई की 17/1/2023, और अप्लाई करने का पूरा डिटेल यहाँ दिया हुआ है आपको। इसके लिए अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा इस एड्रेस पर भेजना है, यहाँ वेबसाइट नोटिफिकेशन अप्लाई का लिंक है, आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं NHICL में रिक्रूटमेंट, ये आपके लिए है प्रिंसिप ट्रेनिंग, जो फ्रेशर के लिए रहती है। इसमें 30 पोस्ट हैं और मिनिमम 18 साल आपकी एज चाहिए, फिर BTech आप सिविल में होने चाहिए, जहाँ आप CA, ICLU, BCom, BSc, LLB, MBA सब कर सकते हैं। आपका स्टाइफंड 20,000 तक रहेगा, 31/1 लास्ट डेट है इसकी। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको NATS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वो लिंक है वेबसाइट का है, नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हो। अगर नोटिफिकेशन आपको क्लिक करोगे आपको डाउनलोड हो जाएगी नोटिफिकेशन, जैसे ही डाउनलोड हो जाती है आप इजीली उसको गो थ्रू कर सकते हो, पढ़ सकते हो, उसमें आपको सब डिटेल मिल जाएगी, उसके बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पूरा मेंशन है। फिर इसी के साथ जो अगली रिक्रूटमेंट है, देखो जो मैंने कहा टॉप वाली ऊपर देखेंगी, बाकी यहाँ आपको नीचे दिख जाएंगी। ऐसी अप्रॉक्स अभी मेरे ख्याल में 20-30 कंपनी में रिक्रूटमेंट है जो इस समय अभी लाइव पड़ी हुई है आपके लिए। नेक्स्ट है KRCL में ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। फिर इसमें अगर हम बात करें सिविल इंजीनियर के लिए भी जॉब है, BTech आपकी सिविल में होनी चाहिए या MTech, आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 48,000 से 70,000 सैलरी रहेगी। तो वेन्यू रहेगा जो नवी मुंबई रहेगा इसका इंटरव्यू का। तो ये डेट सामने आप देख रहे हो, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, इन डेट्स में जाके इंटरव्यू दे सकते हो। पूरी वेबसाइट नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिली हुई है, तो जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको सब चीज़ें ये फ्री में मिल जाएंगी, आप सामने देख रहे हो। और भी कुछ डिमांड्स आपकी रहेंगी तो हम ले आएंगे, बस आपको कमेंट करना है। थैंक यू गाइस।